अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास दिया है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनका हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इनका आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, तो यहां हम ना इसमें ये यूज करेंगे फॉर्मूले, जैसे हमारे पास के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का, अगर दोनों के दरमियान साइन प्लस का है प्लस टू फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, अगर दोनों के दरमियान माइनस होगा तो यहाँ आपको मानस आने जाएंगे माइनस टू फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। ओपन में ऐसे ही होगा कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, अगर दोनों के दरमियान माइनस है तो यहाँ आपका टू के साथ माइनस आना है, अगर प्लस है प्लस आएगा माइनस टू फार्मूला मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। अब हमारे पास क्वेश्चन ये इवन है कि ये हमारे पास साइड इस तरह की टाइप दी हो, ये हमारे पास आपने से कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, फैक्टर के मेथड से तो यहाँ दिया फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस नाइन वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देख रही तो हमारे पास एक्स का बनेगा स्क्वायर, ये किसका बनना है टू का, तो ये कंप्लीट होगा टू एक्स का स्क्वायर। उसके बाद ये होगा हमारे पास तो ये y का स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा हमारे पास 3 का। ठीक है, 3y का स्क्वायर बनेगा, दोबारा इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3 9 आ जाएगा, y का साथ स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में आपको माइनस है ना माइनस टू फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी जो स्क्वायर के नीचे आपका 2x, सेकंड क्या है जो सेकंड वाले स्क्वायर के नीचे आपका 3y, इनको जरा सॉल्व करें 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 माइनस 12xy दोबारा भी ऊपर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बना है, किसका बना है जो ऊपर स्क्वायर है यानी कि 2x और 3y, और दरमियान में आपका साइन वो आएगा जो 2 के साथ है माइनस है आपका, यानी कि 2x 3y माइनस का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जब होल स्क्वायर बन जाएगा फिर लिखना है आगे नेक्स्ट स्टेप है कि टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या आप इनका लेना है स्क्वायर रूट जी। ठीक है, 2x माइनस 3y स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल, यहां प्लस माइनस आएगा और ये पावर 2 से कैंसिल, तो 2x माइनस 3y आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट होगा, ये हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 1/16x² माइनस 1/12xy प्लस 1/36y का स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास 1 का भी स्क्वायर बनाना है आपने, 16 का बनाना है, फिर x का बनाना है, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, 16 का हमारे पास स्क्वायर बनेगा 4 का, यानी कि 4 को 2 टाइम करें मल्टीप्लाई 4 × 4 दोबारा 16 आ जाएगा, तो 1/4x² आ गया और ये 1 का स्क्वायर बनेगा और 36 हमारे पास 6 का बनेगा और y 2y का बनेगा 1/6y का स्क्वायर। अब माइनस टू फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी जो पावर 2 के नीचे 1/4x जो सेकंड वाली है 1/6y, अगर इनको हम दोबारा सॉल्व करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे कटिंग करेंगे तो दोबारा ही बन जाएगा आपका। अब ये बनेगा हमारे पास होल स्क्वायर, इनका बनेगा 1/4x और 1/6y, अब दरमियान में साइन वो आएगा जो 2 के साथ माइनस है, तो आएगा 1/4x माइनस 1/6y का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 1/4x माइनस 1/6y का स्क्वायर, ये पावर 2 से कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/+−1/4x माइनस 1/6y। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि 4 × a + b का होल स्क्वायर माइनस 12 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 9 a − b का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो पावर 2 है a + b के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, अब आपने 4 का भी स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो 4 हमारे पास स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास जब 2 होगा तो आएगा 2 × a + b का ये पावर 2 आएगी, यानी इसका मतलब अब इसकी भी ये 2 की भी पावर है और a + b की भी है। उसके बाद ये a − b का स्क्वायर बना हुआ है, अब आपने 3 का 9 का बनाया 3 बनेगा आपका 3 × a − b का स्क्वायर। अब माइनस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म जो पावर 2 के नीचे है और 2 × a + b आएगा जो सेकंड पावर 2 के नीचे है वो आपकी सेकंड टर्म होगी 3 × a − b। अब 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आएगा, ये 12 आ गया। उसके बाद a + b और a − b पे लगाएं फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दोबारा भी ऊपर बन गया आपका। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अब ये भी हमारे पास होल स्क्वायर बनना है, इनका एक ऊपर स्क्वायर है यानी कि 2 × a + b माइनस और 3 × a − b का होल स्क्वायर। अब करेंगे पहले सिंपलीफाई 2 × a 2a
प्लस टू बी माइनस थ्री ए माइनस वन प्लस हो जाएगा थ्री इंटू बी थ्री बी का स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास टू बी और थ्री बी इन दोनों को ऐड करेंगे, ये लाइक टर्म है हमारे पास थ्री और टू फाइव भी आएगा, माइनस थ्री ए है प्लस टू है, थ्री में टू निकाल देंगे माइनस वन नहीं आएगा स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट फाइव बी माइनस ए का स्क्वायर रूट इक्वल टू ये पावर टू स्क्वायर रूट से कैंसिल तो प्लस माइनस फाइव बी माइनस ए आंसर देगा। ठीक है, अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है वो आपने खुद करना है, वो भी आपके ऐसे ही आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।